पंजाब पुलिस ने 72 घंटों में खुद ही सोशल मीडिया से आपत्तिजनक कंटेंट हटाने के आदेश लोगों को दिए हैं। इस दौरान किसी तरह की कोई एफआईआर लोगों पर दर्ज नहीं की जाएगी। इसके बाद पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी गौरव यादव ने खुद ट्वीट कर इसकी पुष्टि की है। पंजाब सरकार और जिला प्रशासन ने हथियार संग फोटो सोशल मीडिया पर डालने पर पूर्ण पाबंदी लगाई है। बता दें कि पंजाब में सनसनीखेज हत्याओं के बाद मान सरकार ने गन कल्चर को खत्म करने और सूबे में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। नए आदेश के मुताबिक गन कल्चर और हिंसा को महिमामंडित करने वाले गानों पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं सार्वजनिक समारोहों, धार्मिक स्थलों, शादी समारोहों और अन्य कार्यक्रमों में हथियार ले जाने और सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ सेल्फी और फोटो डालने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसी भी समुदाय के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश जारी किए गए हैं। आदेशों के अनुसार पिछले दिनों लगातार सोशल मीडिया पर हथियारों को प्रदर्शित करने वालों पर केस दर्ज किए गए हैं। अब पुलिस ने इसमें लोगों को पुरानी पोस्ट हटाने के लिए कुछ समय के लिए राहत दी है। पंजाब में करीब 4 लाख गन लाइसेंस जारी किए गए हैं। ये यूपी और जम्मू एवं कश्मीर के बाद देश में तीसरा ऐसा राज्य है जहां सर्वाधिक शस्त्र जारी हुए हैं। इसकी वजह से पंजाब में आतंकवाद और गैंगवार से जुड़ी गतिविधियों के अलावा बड़े पैमाने पर खेती की सुरक्षा भी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पंजाब में अब तक 3,69,191 गन लाइसेंस हैं। इतनी बड़ी संख्या में वैध हथियारों का होना भी राज्य की शांति के लिए खतरा बनता जा रहा है। लिहाजा सरकार ने इन हथियारों के लाइसेंस की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। पंजाब में हथियारों का प्रदर्शन करना एक फैशन बन गया है। यहां गानों से लेकर समारोह में हथियारों को लेकर चलना आम बात है। देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले यहाँ हथियारों का लाइसेंस बनवाना भी आसान है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।